उधर रामचरितमानस पर सीएम धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। रामचरितमानस पर सीएम धामी ने कहा कि ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। घृणित काम है कि भगवान राम के ऊपर जिस प्रकार से राजनीति करने का काम हो रहा है, जिस प्रकार से कुछ लोग इसको मैं समझता हूं कि लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उसको देश की जनता, राष्ट्रभक्त और राम भक्त सभी भली भांति जानते हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से उन सभी को इसका जवाब मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार सहित गोपनीय ढंग से शुक्रवार देर रात हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा घाट पर अपने दोनों बेटे दिवाकर धामी और प्रभाकर धामी का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और इस दौरान पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकिशन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अपने बेटों का यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद सुबह ही देहरादून के लिए रवाना हो गए और मुख्यमंत्री के हरिद्वार आने की भनक किसी बीजेपी नेता पदाधिकारी को भी नहीं लगी। प्रोटोकॉल से जुड़े एक अधिकारी ने भी इससे अनभिज्ञता जताई। आज ये जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी हैं, इनके दोनों सुपुत्रों का व्रतबंध